मौजूद हूँ अमोर प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र के बरबट्टा पंचायत में। इस पंचायत में मुखिया पद के उम्मीदवार हैं, हमारे साथ सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे आखिर क्या कारण है जो आप पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। सेवानिवृत्ति की बात तो आमतौर पर सभी लोग अपने घरों में आराम करते हैं, अपना जीवन आनंद से व्यक्त करते हैं, लेकिन आप पंचायत के विकास के बारे में क्या ख्याल रखते हैं जो पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं? क्या ख्याल? सबसे पहली बात यह है कि सेवानिवृत्त होने के बाद हम तो लोगों को या अवाम जितना है पंचायत और ये गांव जिस गांव में हम हैं उसकी आबादी 2000 से ज्यादा है जी। तो हम तब से और जहां जहां गलत काम हुआ है और जहां जहां हमारे नजर में जो है मतलब कि आया कि तकलीफ में है, परेशान है, न रास्ता है न कुछ है और वहां पर आज तक नहीं बना, मैं सबूत के साथ कहता हूं जी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बूढ़ा है अभी वो वंचित है वो वृद्धा पेंशन से। कुछ आदमी से इतना पैसा नहीं बोलना चाहिए हमको, ऐसे ऐसे उससे धोखाधड़ी करके पैसा लेकर के आज तक उसका घर गिर रहा है फूसका, लेकिन आज तक वहाँ पर जो है वो ये नहीं मिला उसको लाभ इससे, क्या कहते हैं इंदिरा आवास से। ये बाढ़ से जो से घर कटा था रसेली में और भी कई गांव में जी, उस पर क्या कहते हैं यदि आप मुखिया बन जाएंगे तो क्या अमल करेंगे? उसमें मेरा सब वही प्रतिनिधि है विधायक लोग साहब, क्या उसमें तो सबसे पहले हम प्रशासन से मिलेंगे जी और प्रशासन से मिल करके उसको हम ये आगाह कराएंगे कि आप चल करके वहां देखे कि वो लोग जो है मतलब गरीब सब गरीब लोग भी हैं उसमें जो टेंट लगाकर सड़क पर रहते हैं, कुछ लोग जो है मतलब कहीं कर्ज लेकर के या कुछ लेकर के वो जो है मतलब वो अपना जिंदगी बसर कर रहा है। अच्छा एक मिनट जी, हजरिया बनगमा रसेली इन सभी गांवों में नदी कटाव हो रहा है, परमान बकरा नदी प्रतिवर्ष कहर बरपाती है जी, तो क्या इस नदी पर बोल्डर पिचिंग जियो बैंकिंग का काम नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, यदि ये हो जाए तो समस्या निदान हो जाएगा, घर तो नहीं कटेंगे। अभी भी होना चाहिए और एक बात मैं सबसे पहले कहता हूँ कि अभी जो जितना घर नदी में विलीन हो गया तो अभी तो बहुत परेशान है, अभी तक कोई लाभ लोगों को नहीं मिल सका है और हम लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले वहां पर पक्कीकरण जो भी घर बचा है मतलब थोड़ा बहुत भी और भी नदी का जो अभी देखते हैं रुख है कि फिर पलट आने के बाद वो तमाम बर्बाद करके और घर को ले लेना। अच्छा रसेली पुल का क्या मामला है अब तक जो रसेली पुल तो 1914 में ये हुआ था और ये कहा गया था कि 2 साल के अंदर में सारे लोग थे वहां पर